Hi friends, so as you all know, few days back I asked you people about the topic on which you want the video, and on the basis of number of comment, the most demanding topic is the college reference list and the required document at the time of reporting. So in this video I am going to talk about the college reference list, and in next video I will talk about the required document at the time of reporting. So let's start the video with a little bit of introduction. I am Ravikant Chani, third year medical student at ESIC Medical College, Bangalore. So let's start the video. तो यार college preference list ना बहुत सारे factors पे depend करती है, such as how big is the hospital, how is the academic of college, city of the college and language. तो यार college list, for example अगर हम बात करें कि एक North Indian student select ESIC Kollam over ESIC Bihta, and by saying that the hospital of the ESIC Kollam is big, so I will get more patient interaction there. But यार एक patient load ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां जाते हो तो आपके पास language barrier आएगा and आप patient से उतना ज्यादा अच्छे से interact नहीं कर पाओगे. तो जो patient और doctor relationship है वो अच्छे कहीं ना कहीं अच्छे से maintain नहीं होगा. तो मेरे हिसाब से कोई benefit नहीं होगा आप ESIC Bihta छोड़ के ESIC Kollam जाते हो. और सेम एज साउथ इंडियन स्टूडेंट, अगर वो ESIC Kollam छोड़ के ESIC Bihta जाते हैं, तो हर एक जो मैंने फैक्टर बताए उनके हर एक फैक्टर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है. एंड कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले ना मैं आपके माइंड में एक चीज सेट करना चाहता हूँ कि कॉलेज में एंटर करने के बाद अगर दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है कि वैरायटी ऑफ पेशेंट एंड लैंग्वेज बैरियर. तो यार अगर आप कोई ऐसे कॉलेज में जाते हो जिसका हॉस्पिटल काफी बड़ा है एंड उसमें पेशेंट लोड भी बहुत ज्यादा है, अगर पेशेंट लोड ज्यादा होगा तो आपके पास वैरायटी ऑफ पेशेंट भी ज्यादा होगी, एंड आप जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ पेशेंट देखोगे आपका क्लिनिकल नॉलेज उतना ही ज्यादा अच्छा होगा. तो और इन द एंड डॉक्टर बनने के बाद अगर कोई चीज मैटर करती है तो वह आपका क्लिनिकल नॉलेज, आपकी स्किल्स. तो और स्किल्स तभी डेवलप होंगी जब आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट देखोगे और जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ पेशेंट देखोगे. एंड बट ये नहीं कि हाँ पेशेंट लोड जिसमें जाते हैं हम उधर ही चले जाएं. इसके साथ एक मेन फैक्टर और आता है, वो है पेशेंट इंटरेक्शन. एंड पेशेंट इंटरेक्शन आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप पेशेंट एंड डॉक्टर एक कॉमन लैंग्वेज जानते हैं. और अगर यार मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन तभी होता है जब आप पेशेंट और आप सेम नेटिव लैंग्वेज जानते हो. क्योंकि हाँ ये हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाके आप लैंग्वेज सीख लोगे, बट उस लैंग्वेज में आप उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे जितना आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कर पाओगे. तो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले सबसे ज्यादा जो वैल्यू देनी है अगर कोई फैक्टर को, तो वो है पेशेंट लोड एंड लैंग्वेज बैरियर. तो मैंने कुछ मेरे हिसाब से कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स एंड साउथ इंडियन स्टूडेंट्स. दोनों ESIC कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट डिफरेंट डिफरेंट है. तो अगर मैं नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की पहले बात करूं तो उसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ESIC फरीदाबाद, देन ESIC अलवर, देन ESIC बेंगलोर, देन ESIC कोलकाता, ESIC हैदराबाद, देन ESIC Bihta, मंडी, देन आपके आ जाते हैं ESIC चेन्नई, कोल्लम, कोयम्बटूर. अब कोई मुझे बोल सकता है कि आपने ESIC मंडी और ESIC Bihta को बेंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता से बात क्यों रखा है. तो यार मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर, Bihta, कोलकाता एंड हैदराबाद ऐसी जगह है जहां पे लैंग्वेज बैरियर तो आएगा, बट इन कॉलेज के जो हॉस्पिटल है वो काफी अच्छे हैं कंपैरिजन टू मंडी एंड Bihta. एंड यहाँ लैंग्वेज बैरियर होगा पर वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी पेशेंट्स भी मिलते हैं एंड इंग्लिश पेशेंट्स भी मिल जाते हैं, तो आप वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो एंड इन द लास्ट आप यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो सीख ही लोगे. अगर मैं फिर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स की कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट की बात करूँ तो आपके सबसे पहले आ जाता है ESIC बेंगलोर, जो साउथ इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज है. देन उसके बाद आपके आ जाता है ESIC चेन्नई, ESIC कोल्लम, ESIC कोयम्बटूर, देन ESIC फरीदाबाद. मैंने फरीदाबाद को पहले इसलिए रखा क्योंकि फरीदाबाद नोट आउट एक बेस्ट कॉलेज है अमंग्स द ऑल ESIC. देन ESIC फरीदाबाद के बाद आ जाता है आपका ESIC हैदराबाद, ESIC गुलबर्गा, ESIC कोलकाता, देन आपके ESIC अलवर, ESIC Bihta एंड मंडी. तो ये तो थी मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट. तो आप अपने अकॉर्डिंग और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है. बट एक रफ आइडिया मैंने मेरी साइड से आपको दे दिया, एज मैं एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हूँ एंड मैं बैंगलोर में मेरी MBBS कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ कितना लैंग्वेज बैरियर आता है, अब हम कितना सीख सकते हैं, किस हिसाब से पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट.
And in next video, I'm going to deal about the document required at the time of reporting. And thanks for watching my video.